हैं आप लोग। आज हम एक्सेल के 9 बेसिक फार्मूला के बारे में बताएंगे। जो बच्चे अभी एक्सेल शुरू किए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और एक एक टॉपिक हम उनको समझाएंगे जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में मैंने देखे होंगे, हमने लिस्ट बना रखी, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, SQRT। तो एक एक फार्मूले को हम बताते जाएंगे, और आप लोग को अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मतलब सम का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ने के लिए, एवरेज का मतलब औसत निकालने के लिए, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करता है, मैक्स दिए गए रेंज में सबसे बड़ी संख्या खोजेगा, सॉर्ट जो करेगा वो आपको वर्गमूल निकालेगा, मिन सबसे छोटी संख्या, और पावर आपको पता ही होगा कि जब किसी वैल्यू पे हम पावर देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होके उसका रिस्पांस मिल जाता है, सब्ट्रैक्शन घटाने का काम करेगा, और डिवीजन जो होता है वो आपका भाग देने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक फार्मूला हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो, देख रहे होंगे आप। यहाँ पे पहले हम मर्ज करा लेते हैं सेल को, और एक एक हेडिंग बना लेंगे हम, जैसे सम का, प्रोडक्ट का, एवरेज का। तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने सारे फार्मूला का लिस्ट बना रखा है। अब आप कंट्रोल के साथ सारे फंक्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने कंट्रोल दबा रखा है और एक एक फंक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। कंट्रोल आप छोड़िएगा मत, और एक एक फंक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। और फॉर्म टैब के फॉन्ट साइज पे जाइएगा, यहाँ से फॉन्ट की साइज बढ़ा लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, कलर दे दीजिएगा। बट ध्यान रहे, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने से क्या होगा कि एक ही बार में सारे टॉपिक का कलर, फॉन्ट सब बदल जाएगा आपके। तो देख रहे होंगे कि मैंने एक ही बार में सब कुछ चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू भर दें जो भी आपको वैल्यूएशन भरना हो। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने वैल्यू भर दिया है, और यहाँ पे आप सम का यूज कर ले। तो फार्मूला शुरू करने से पहले इक्वल लगाइएगा, सम ब्रैकेट टाइप करिएगा, और पहले रेंज से लेके लास्ट रेंज को ड्रैग कर लीजिए। देख रहे होंगे 99 आ चुका है। और अगर आपको दो सेल ऐड करना है, जैसे मैंने कहा 56 और 20 को, तो इक्वल 56 प्लस सेकेंड सेल एंटर कर दीजिए। तो देख रहे होंगे केवल दो सेल ही सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर रेंज सेलेक्ट करना होगा तो कोलन लगाइएगा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा भर रखा है, इक्वल लगाएंगे, 99 पे क्लिक किया, माइनस लगाया, और यहाँ पर 52 या 56 जिस पे भी आप घटाना हो क्लिक करके एंटर कर दिए। ध्यान रहे, यहाँ पे कोई फार्मूले का नाम नहीं लिखेंगे, इक्वल डायरेक्ट हम मैथ की तरह यूज़ कर लेंगे इसको। एवरेज लगाते हैं यहाँ पे, नंबर आप भर दीजिएगा। यहाँ पे इक्वल एवरेज, जब आप दो या तीन वर्ड टाइप करेंगे तो फार्मूले की लिस्ट नीचे आ जाएगी, आप वहां से चूज करके टैब दबा दीजिएगा। यहाँ पहले सेल से लेके लास्ट सेल को आप ड्रैग कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, देख रहे होंगे। अगर दो सेल का निकालना होगा तो इक्वल एवरेज, फर्स्ट सेल कॉमा सेकेंड सेल। तो इस तरह से, यानी अलग अलग सेल का निकालना हो तो कॉमा लगाएं, और सीरियल से निकालना हो तो कोलन, जो दो बिंदी दिखाई देती है कीबोर्ड में। इस तरह से मैक्स संख्या देख सकते हैं आप। तो इक्वल मैक्स, ब्रैकेट करें, फर्स्ट सेल से लास्ट सेल माउस से ड्रैग कर लें आप।
एंटर कर दें तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारा 99 है। सेम मेन भी ऐसे ही आप निकाल लेंगे। देख रहे होंगे मेन मैंने लगा दिया और फर्स्ट सेल से लास्ट सेल हमने ड्रैग कर लिया तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको मिल रही होगी। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, गुणा कर देंगे दो संख्याओं, तीन संख्याओं, चार संख्याओं, जितने भी सेल्स का आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इक्वल प्रोडक्ट। और फर्स्ट सेल से लास्ट सेल आप ड्रैग कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अगर आपको दो सेल का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे इक्वल लगाएं, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, मल्टीप्लाई अर्थात स्टार का सिंबल लगाएं, दूसरे सेल पे क्लिक करें, इंटर कर दें तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका 10 आंसर आ चुका है। इस तरह से एसक्यूआरटी पता होगा आपको, वर्गमूल बोलते हैं इसमें। तो एक तरफ हम डेटा भर लेंगे एक सेल की तरफ, देख रहे होंगे मैंने एक तरफ से डेटा भर दिया, इस तरह से आप भी भर दीजिएगा। और दूसरे वाले कॉलम में हम इसका आंसर निकालेंगे तो इक्वल एसक्यूआरटी ब्रैकेट स्टार्ट क्लिक करेंगे और एंटर, और इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे। इस तरह से एक सेल का निकालने के बाद नीचे जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सेल का आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें किसी का पावर निकालना है तो यहाँ पे दो वैल्यू हम भरेंगे, एक मेन वैल्यू एक पावर वैल्यू। तो आप भी ऐसे भर लीजिएगा, दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मेन वैल्यू, सेकेंड कॉलम में पावर वैल्यू। यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा, इक्वल पावर ब्रैकेट स्टार्ट मेन वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करिएगा आप, नंबर वन पे कॉमा लगाइएगा और इसका पावर वैल्यू पे यानी फाइव पे क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर। देख रहे होंगे इसका आ गया है और ड्रैग कर लेंगे हम, तो देख रहे होंगे 4 का 16, 7 का 49, इस तरह से सबका पावर वैल्यू निकल गया। डिवीजर, यहाँ पे डिवीजन निकालने का काम करें यानी भाग देने का, तो इस तरह मैंने वैल्यू भर दिया है और इसमें जितने सेल का डिवाइडेशन देना है आप वो भर दीजिए। और यहाँ तीसरे कॉलम में आप इसका आंसर टाइप कर दें, इक्वल फर्स्ट सेल अपॉन सेकेंड सेल, एंटर कर दें और नीचे की तरफ इसे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आंसर आपका आ जाएगा। अगर दिए गए डेटा रेंज में आपको छोटी मोटी फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बॉर्डर लगाना हो तो डेटा रेंज सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे होम टैब में अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं आप, बॉर्डर पे जाके आप ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। तो देख रहे होंगे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ की फॉर्मेटिंग करना है तो सारी फॉर्मेटिंग आपको होम टैब में दी गई है, वहाँ से आप लोग बोल्ड कलर, शेडिंग कलर, इस तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई भी सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, उसे भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे सकूं। धन्यवाद।